तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे प्यारों, ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। इत्र से कपड़े का महकना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी कि जिंदगी ऐसे जीकर जाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। तो ये है जिंदगी जीने का तरीका, और ये जिंदगी उस तरीके तभी जी जा सकती है जब हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए। तो जिस दिन आप लोगों ने दूसरों के लिए जीना सीख लिया, उस दिन आप लोगों के किरदार से भी खुशबू आने लगेगी। तो आज है 29 नवंबर, काफी कुछ डिस्कस करने के लिए PIB ऑल इंडिया रेडियो और न्यूज पेपर के आर्टिकल, इसी के साथ में हम लोग कंबाइन करके इसको बोल देते हैं नैनो मैगजीन। तो देखते हैं आज की नैनो मैगजीन में हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है। आज है 29 नवंबर, और 29 नवंबर सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल, यानी कि जो पैलेस्तीन और जो इसराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो आप लोग सभी जानते हैं। इसराइल का गठन हुआ था 1948 में, और 1948 से लेके अगर आज तक का आप लोग सफर देखेंगे तो पैलेस्तीन की जो कहानी है वो खत्म कर की जा चुकी है इसराइल के द्वारा। यानी कि जो पहले ये पूरा ग्रीन कलर इसराइल वो सॉरी पैलेस्तीन हुआ करता था, आज की डेट में ये ग्रीन कलर यहाँ पर आप लोगों को पैलेस्तीन देखने को मिलेगा। यानी कि जो इसराइल है वो काफी बड़े एरिया पर आज की डेट में कंट्रोल कर चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने कई बार दोनों के बीच में चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। तो उसी के लिए यहाँ पर 29 नवंबर है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये एक एनिवर्सरी मार्क करता है जो कि यूएन का रिजोल्यूशन था 181। इसके तहत ये बोला गया था कि किस तरीके से दोनों के बीच में शांति बनाए रखी जा सकती है। एक प्लान था यहाँ पर कंट्री को यहाँ पर प्रॉपर वे में डेवलप करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है रिजोल्यूशन 181 का क्या मतलब है, तो डायरेक्ट आप लोगों को वहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान है पैलेस्तीन के लिए। तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग जरूर रखिएगा 29 नवंबर। आगे चलता हूं, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर ये जो ये वाला एरिया है, ये वेस्ट बैंक बोलते हैं इसको, और ये वाला एरिया है गाजा स्ट्रिप। यहाँ पर ये वाला एरिया हमास जो ग्रुप है यहाँ पर इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये वाला एरिया जिसका नाम है वेस्ट बैंक, ये फतेह ग्रुप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नॉर्मली सारी जो एम्बेसी है आप लोगों को वो तल अवीव में देखने को मिलेगी, पर लेकिन जो लड़ाई चलती है वो जेरूसलम के ऊपर है। अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा जेरूसलम में यहाँ पर अपना जो इनकी एम्बेसी थी उसको ट्रांसफर किया गया था, जिसके ऊपर काफी कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली थी। आसपास में कंट्री यहाँ पर जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, और यहाँ पर आप लोगों को सीरिया देखने को मिलता है। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अगर अपनी इंडिया के कंपेयर में आप लोग इसको देखना चाहते हैं, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया की बात मैं आप लोगों से कर रहा था। आइए अब आप सब लोगों के सामने यहाँ पर छोटा सा क्विज, या फिर आप लोग इसे बोल सकते हैं रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू, बताइएगा कि आप लोगों के 9 में से कितने मार्क्स आए। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है इंडिया का फर्स्ट सेकंड जनरेशन यानी कि 2G यह इथेनॉल बायो रिफाइनरी जो अभी सेटअप किया गया, ये किया गया यहाँ पर बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य में बनता है, तो यहाँ पर इसको सेटअप करने की बात की जा रही है 2020 तक। आप लोगों को ये बताना है कि किससे प्रोड्यूस किया जाएगा, कौन सा वो यहां पर प्रोडक्ट है जिससे प्रोड्यूस किया जाएगा इथेनॉल। आने वाले टाइम में आप लोगों को पता है कि जो भी यहां पर जो सेकंड जनरेशन जो फ्यूल है इसको यूज करने की बात की जा रही है प्रॉपर वे में, जो डीजल और पेट्रोल होते हैं उसके साथ में मिक्स करके, ताकि जो लगभग 80% हम लोग बाहर से खरीदते हैं क्रूड ऑयल उसको कम किया जा सके, हम अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा सकें। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज के द्वारा लॉन्च किया गया था इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी, तो ये कहां पर लॉन्च किया गया था ये आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है किस डे में, ये आप लोगों को बताना है। और इस बार की थीम काफी इंपॉर्टेंट थी और इंटरेस्टिंग भी थी, ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को सोचना है, इमेजिन यू आर ए लेटर, कि आप लेटर हैं और ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेवल कर रहे हैं आप लोग कहीं पर जा रहे हैं थ्रू टाइम, और आप लोग किसी को क्या मैसेज कन्वर करना चाहेंगे, यानी कि जो पढ़ रहा है, मान लीजिए आप लोग एक लेटर हैं और आप लोग किसी के पास में जाते हैं, तो आप लोग उसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, आप लोग क्या उसके बारे में सोचते हैं, यानी कि क्या बात आप लोग उसे बताना चाहेंगे, क्या ज्ञान की बातें आप लोग उसे बोलना चाहेंगे। आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं, यानी कि एज ए लेटर अगर आप लोगों को एक लेटर का किरदार निभाना पड़े, आप लोग किसी को जाकर क्या मैसेज देंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स बताएगा आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात की जा रही है इंडिया ने अभी ऑफर किया है यहां पर 20 मिलियन का ग्रांट, कौन सी कंट्री को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, किसके द्वारा यहां पर होस्ट किया गया 4th समर यूथ ओलंपिक गेम 2022 में, यानी कि आने वाले टाइम में किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है, जो अभी होस्ट किया गया वो किसके द्वारा किया गया था, अर्जेंटीना के द्वारा। कहां पर किया गया था, ब्रूनोइस एरिज में, आप लोगों को पता होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि छत्तीसगढ़ से थी, और वो यहां पर इंडिया की मिस ट्रांस क्वीन देखने को मिली। ट्रांस क्वीन से मतलब ये ट्रांसजेंडर यानी कि जो किन्नर होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। काफी अच्छा डेवलपमेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, खासकर एक ऐसी सोसाइटी में एक ऐसा तबका जिसको हम लोग पीछे छोड़ के चल रहे थे उसको साथ में लेकर यहां पर चला जा रहा है। ओके,
और हाँ देखने के लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने नो है, पर लेकिन यहाँ पर कई जगह आप लोगों को दो दो के आंसर देने हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखते हैं, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर दो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, नेक्स्ट में आप लोगों को दो, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर नो की जगह 12 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ओके अब आगे करते हैं यहाँ पर बात, 17th एडिशन ओल्ड वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल 2018 ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया और इसको किसका दर्जा दिया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा कहीं का इसका दर्जा दिया गया, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन सा इसको दर्जा दिया गया है। आईटी मद्रास ने कोलैबोरेट किया किसके साथ में अभी इनहेंस करने के लिए डाटा ड्रिवन गवर्नेंस, तो ये कौन से स्टेट के साथ में यहां पर इसने कोलैबोरेशन किया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछने के चांसेस हैं। और साउथ इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसको लेकर काफी प्रॉब्लम अभी चल रही है रिसेंटली, और कौन से एरिया में वो कौन सा स्टेट है और उस एरिया में एक टेंपल को लेकर प्रॉब्लम चल रही है और कौन सा वो टेंपल का नाम आप लोगों को बताना है जिसमें इस स्टेट के द्वारा पिटीशन फाइल की गई है। दोनों ही काफी फेमस है यहाँ पर, स्टेट भी और टेंपल का नाम भी, तो आप लोगों को बताना है। तो बताइएगा कितना आप लोगों ने यहाँ पर स्कोर किया, आइए आंसर देख लेते हैं। बात की जा रही है उड़ीसा में यहाँ पर सेटअप करने की बात की जा रही है, ये 2G जो इथेनॉल बायो रिफाइनरी प्लांट है 2020 तक। राइस जो होते हैं यानी कि चावल जो आप लोग काटते हैं, मूंजी वगैरह जो धान होता है उसका जो स्टोव बच जाता है तो उसका जो भूसा बच जाता है उससे यहाँ पर इसको बनाया जाएगा। न्यू दिल्ली में देखने को मिला यहाँ पर इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी जो कि सुषमा स्वराज जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व करा जाता है 9 अक्टूबर को, और यहाँ पर थीम मैंने आप लोगों को बता ही दी। तजाकिस्तान को यहाँ पर बोला गया हेल्प करने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। सेनेगल में देखने को मिला आप लोगों को यूथ ओलंपिक 2022 देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, यानी कि 2022 में। यह है वीना सेंड्रे, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, जो कि मिस ट्रांसजेंडर क्वीन बनी है यहाँ पर, जिसको ट्रांस क्वीन बोला जाता है, अभी छत्तीसगढ़ से है ये इंडिया की। ओके 17th एडिशन जो यहां पर ओल्ड वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल 2018 ऑर्गेनाइज कराया गया इंडिया हैबिटेट सेंटर के द्वारा, और यहां पर यूनेस्को के द्वारा इसको इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया गया है। ओके आगे बढ़ता हूं, तमिलनाडु के साथ में मिलकर आईआईटी मद्रास के द्वारा कोलैबोरेशन किया गया है। वैसे भी आप लोग जानते हैं मद्रास कहां पर है, ये तमिलनाडु के अंदर है, तो इस तरीके से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। केरला में सबरीमाला टेंपल कौन नहीं जानता इसके बारे में, काफी न्यूज में था, तो इसके बारे में तो आप लोग का आइडिया होना ही होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, आइए अब नजर डालते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर हाँ उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, देखिए मैंने पॉलिटी के बारे में जो कमेंट किया था कल की पॉलिटी के लेक्चर के लिए मुझे पैसे ऑफर किए गए थे वो मैंने आप लोगों को बताया था, पर लेकिन ये नहीं है कि मैं उनको हटाने जा रहा हूं, ठीक है। कई सारे बच्चे परेशान हो गए, लगभग 150 से ज्यादा ऐसे मुझे मिले, बोल रहे सर पॉलिटी के लेक्चर मत हटाना। किसी में हिम्मत नहीं है पॉलिटी के लेक्चर यहां से हटवाने की, अगर चैनल ही टर्मिनेट हो जाता है तो कोई और बात है, अगर यहां से टर्मिनेट हो गया तो वीर तालियान पे मिलेंगे, वीर तालियान टर्मिनेट हो जाए तो टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम टर्मिनेट हो जाए तो घर का एड्रेस दे दूंगा, पेन ड्राइव में आकर ले जाना, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो जो भी कर रहे हैं एंजॉय करते रहिए। हाँ अगर आप लोग चाहते हैं सहूलियत के लिए तो डाउनलोड करके रख लीजिए, अगर आप लोगों को कोई ऐसी टेंशन है फिर भी आपके मन में शांति रहनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, अपनी पढ़ाई करते रहो, बाकी की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, एंजॉय करते रहो, ठीक है। आइए आगे बढ़ता हूं, बात की जा रही है यहां पर फर्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, G20 के बारे में। तो तीन क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछे जा सकते हैं, पहला कि G20 मीटिंग अब की बार कहां पर हो रही है, तो ये हो रही है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की लोकेशन आप लोग एक बार देख लीजिए, ये है यहां पर अर्जेंटीना, यहां पर आप लोग देखिए ये हो गया इंडिया, यहां से यहां पहुंचेंगे तो पहुंच जाएंगे अर्जेंटीना। ओके तो यहां पर G20 की मीटिंग हो रही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा एडिशन है ये, तो ये 13th एडिशन है अब की बार, 13वां एडिशन यहां पर हो रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर थीम भी आप लोगों से पूछी जा सकती है डायरेक्ट, क्या है तो थीम देख लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है बिल्डिंग कंसेंसस फॉर फेयर एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सबकी सहमति बनाना, फेयर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और सस्टेनेबल यानी कि इस तरीके से चलना चाहिए कि ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी ये फायदेमंद रहे, तो सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ना है, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इस पर यहां पर बात की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं आज ही, यहां पर पहुंच चुके हैं, जो यहां पर मीटिंग की जाएगी, 13वां एडिशन है अर्जेंटीना में, और थीम आप लोगों को बता ही दी। आगे बात करते हैं यहाँ पर व्हाइट हाउस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया है यहाँ पर कि ट्राइलेटरल मीटिंग देखने को मिलेंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे इनके बीच में G20 में साइडलाइन में, यानी कि जो अर्जेंटीना में पहुंच रहे हैं वहां पर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और शिंजो आबे और मोदी जी तीनों मिलकर आपस में ट्राइलेटरल एग्रीमेंट यानी कि तीन कंट्री का एग्रीमेंट देखने को वहां पर मिलने वाला है। तो ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के साथ में ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया इंडिया के द्वारा, तो ये किसके साथ में किया, ये किया अभी यहाँ पर ये यूएसए और जापान के साथ में, तो G20 की मीटिंग में होगा क्या नहीं है अभी होगा। हरदीप सिंह पुरी और ये यहाँ पर है हरसिमरत बादल, तो ये दोनों मिनिस्टर अभी देखने को मिले, कहाँ गए, पाकिस्तान में गए, क्यों गए, करतारपुर कॉरिडोर यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करने की बात की जा रही है एक गलियारे के द्वारा, जिसके तहत यहाँ पर हमारी कंट्री और पाकिस्तान में जो रिलीजियस एक्टिविटी है उनमें हारमोनी लाने की बात की जा रही है और दोनों के बीच में शांति बनाने की बात की जा रही है, तो देखते हैं किस तरीके से शांति बहाल की जा सकती है आगे आने वाले टाइम में।
पर लेकिन शांति के साथ साथ में एक बात और है सामने जो निकल कर आई है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने यहां पर यह बोला है कि देखिए जो यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी है और शांति वार्ता है वो साथ साथ नहीं चलेगी। करतारपुर कॉरिडोर बना रहे हैं वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये अलग मैटर है, इसको आप लोग बायलेटरल रिलेशन के साथ में कनेक्ट कर नहीं देखेंगे। जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं रोकेगा तब तक हम लोग कोई भी ऐसी बात इनके साथ में नहीं करेंगे, और जो पाकिस्तान में अभी साक समिट होने वाली है हम लोग उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये भाई बात बोली गई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा, बोला गया जब तक ये अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगे तो पूछा जा सकता है कि साक समिट कहां पर होने वाली है, तो ये पाकिस्तान में होने वाली है। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया, टोटल मिलाकर 8 कंट्री हैं। और यहां पर जो इंडिया और पाकिस्तान की जो आपस में एंटी 180 डिग्री का जो शिफ्ट रहता है इसकी वजह से यहां पर इसकी मीटिंग नॉर्मली नहीं हो पाती हैं। बोलते क्या है इसको, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ बातें हैं। अच्छा हाँ, आप लोग G20 के बारे में क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, 3 तो मैंने बताए। यहां पर अभी हेड कौन होगा 2018 के लिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब साथ के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बातें यहां पर कर लेते हैं। तो कंट्री तो मैंने आप लोगों को बताई थी, यहाँ पर टोटल 8 कंट्री हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो काठमांडू यानी कि नेपाल में है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश यूज की जाती है और आप लोगों को ये एशियन कंट्री देखने को मिलेगी। ऑब्जर्वर स्टेटस भी कुछ इस कंट्री को यहाँ पर दिया गया है। टोटल 8 तो मेंबर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर स्टेटस है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी यहाँ पर इसका पार्ट बनना चाहते हैं। गठन किया गया था 8 दिसंबर 1985 में इसका गठन किया गया था। तो ये कुछ बातें आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो रेलवे के द्वारा नया स्टेप उठाया गया है, सदर्न रेलवे के द्वारा क्या बोला गया यहाँ पर, ये बोला गया डिसाइड किया है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के लिए वीकेंड प्रीमियर ट्रेन सर्विस। कहाँ पर देखने को मिलेगी ये, कुन्नूर से, ये है यहाँ पर मिट्टुपलायम, ठीक है, मिट्टुपलायम, तो देख सकते हैं आप लोग प्रोनंसिएशन जो भी होगा यहाँ पर, ये ऊटी में देखने को मिलेगा। कहां पर है ये है तमिलनाडु में। तो क्यों यहां पर ये बात की जा रही है, क्योंकि ये जो एरिया है यहां पर नीलगिरी जो माउंटेन रेलवे है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा चुका है यूनेस्को, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग वर्ल्ड हेरिटेज का रेलवे का स्टेटस दिया गया है, तो और टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहां पर ये काम किया जाना है। तो पूछा जा सकता है कि सदर्न रेलवे के द्वारा कहां पर नया अभी कनेक्टिविटी करने की बात की गई है, तो पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जो यहां पर बात की जा रही है इसराइल में जो इसराइल के जो यूएन के एम्बेसडर हैं, नाम है उनका डैनी डानोन, तो इनके द्वारा यहां पर एक बात बोली गई है कि देखिए जो भी इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो पीस वार्ता होनी है, इनके शांति का जो प्लान है उसको 2019 के स्टार्टिंग में ही डोनाल्ड ट्रंप में रिलीज यानी कि रिलीज कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो देखते हैं कैसे यहां पर शांति बनाने की बात की जाती है, क्योंकि जब बात आती है दोनों के बीच में शांति बनाने की तो यहां पर यह बात निकल कर आती है कि कैसे शांति बना के रखनी है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी की बात की जाती है यानी कि इसराइल और पैलेस्तीन को मिलाकर दो नेशन थ्योरी की बात की जाती है कि दो कंट्री यहां पर बनाई जा सकती है जो कि शांति में रहे, पैलेस्तीन अलग शांति में रहे और इसराइल अलग शांति में रहे। पर लेकिन कई बार देखने को मिलता है इसराइल इसको मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है आज के दिन, ये भी काफी अच्छी खतरनाक पर्सनैलिटी आप लोग इनको बोल सकते हैं, तो इनका नाम आप लोग बताइएगा। हालांकि इंडिया के लिए काफी अच्छे हैं ये। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर नेशनल फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रंस के लिए यहां पर नेशनल फेस्टिवल की बात की जा रही है। तो यहां पर बात की जा रही है चिल्ड्रंस ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है यहां पर जिसके नाम पर यहां पर जो थीम रखी गई है ये हौसला 2018। तो ये इनोग्रेट किया गया यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, कौन है यहां पर, मेनका गांधी जी, ठीक है। तो मेनका गांधी जी के साथ में यहां पर मैरी कॉम जी भी है। अभी रिसेंटली यहां पर इनके द्वारा एक गोल्ड जीता गया, ठीक है। तो ये गोल्ड लिख दिया मैंने, पहले क्वेश्चन पूछने वाला था छठे नंबर का ये गोल्ड था टोटल इनका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, खासकर जो अभी ये चैंपियनशिप हो रही थी ये कहां पर हो रही थी, ये भी न्यू दिल्ली में ही हो रही थी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है। इन्होंने यूक्रेन की पर्सनैलिटी को हराया, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उनका नाम चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एक तो क्वेश्चन बनता ही है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट, जो बात की जा रही है रशिया के द्वारा, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो रस्साकसी यहां पर चल रही है, तो अभी बोला गया है कि रशिया ने जो यूक्रेन का जो बॉर्डर है उस पर मिलिट्री अपनी प्रेजेंस और भी ज्यादा बढ़ा दी है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देखते हैं, ये हो गया यूक्रेन और क्रीमिया, ये वाला जो एरिया है इसको लेकर रशिया के और यहां पर यूक्रेन के बीच में लड़ाई है, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया है आप लोगों के सामने, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। प्रेसिडेंट कौन है यहां पर, ये आज के डेट में यूक्रेन के पेट्रो पोरोशेंको, और यहां पर जो रशिया के कौन है वो आप लोग जानती हैं, ये व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा यूक्रेन की जो कैपिटल है केवी, और जो करेंसी की बात करें तो यूक्रेनियन ये हर्विनिया, तो इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलता हूं।
नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर पोलर सैटेलाइट जो व्हीकल है यहाँ पर पीएसएलवी की C-43 मिशन यहाँ पर अभी जो छोड़ा गया यहाँ पर ये HYSIS आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सैटेलाइट है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 30 सैटेलाइट छोड़ने की बात की गई, तो यहाँ पर टोटल जो 30 सैटेलाइट छोड़े गए यहाँ पर 29 इसमें नैनो सैटेलाइट थे जो कि 8 डिफरेंट कंट्री के सैटेलाइट यहाँ पर छोड़े गए। ठीक है, क्या था ये? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $75 मिलियन का यहाँ पर वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए कोस्टल टाउन कर्नाटक में यहाँ पर फैसिलिटी यानी के लोन प्रोवाइड कराया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहां पर पड़ता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार इसके बारे में जिक्र किया जा चुका है। तो यहाँ पर अभी देखने की बात यह कि कर्नाटक को यहाँ पर डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये है मोहम्मद अजीज, तो यहाँ पर अभी इनकी डेथ हुई 27 नवंबर को। ये एक सिंगर थे, ये बॉलीवुड बंगाली और उड़ीसा फिल्मों से कनेक्टेड थे, तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा नाम याद रखते हैं। स्पेसिफिक पर्सनैलिटी का अगर नाम आए तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। बाकी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के द्वारा शानदार तरीके से दिए गए। यहाँ पर ग्रीन पीस के बारे में पूछा था, ग्रीन पीस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर आप लोगों को एम्स्टर्डम में देखने को मिलेगा, नीदरलैंड की कैपिटल है ये। 1971 में गठन किया गया था, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम उठती है खासकर कई सारी चीजों को लेकर ये मुद्दे पर डिस्कस करती है, और सब मुद्दों में सबसे मेन मुद्दा जो रहता है वो रहता है एनवायरमेंट को लेकर। ठीक है, तो याद रखिएगा। विवेक डिब्रॉय के बारे में मैंने पूछा था, ये नीति आयोग से भी कनेक्टेड है, इसके द्वारा यहाँ पर चेयरमैन है ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी आप लोगों को पता रखना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंडर आती है? ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। कौन है यहाँ पर आज के मिनिस्टर? राजनाथ सिंह जी। गठन कब किया गया था? 2005 में इसका गठन किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो पावर मिलती है आर्टिकल 324 के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी पॉलिटी में कंप्लीट लेक्चर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, वहां पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड मेंबर की बात पूछी थी, मैक्सिमम कितने होते हैं? 21 होते हैं, प्रेजेंट में 18 हैं। गवर्नर 4 यहां पर डिप्टी गवर्नर और 16 होते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर। आज की डेट में क्या है यहां पर? गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर और 13 है नॉन ऑफिशियल मेंबर, तो टोटल 18 है, वैसे 21 होते हैं, तो याद रखिएगा इसके बारे में। क्योंकि अभी मीटिंग हुई थी तो काफी रस्साकशी चल रही थी गवर्नमेंट के और आरबीआई के बीच में, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनने आप लोगों के लिए लाजमी है। और इसके अलावा जब से आप लोगों को शेयर करने को बोला है तो काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 3 से 4 हजार जो नए हमारी फैमिली में मेंबर जुड़ चुके हैं, तो इस तरीके से हम लोग जल्दी ही अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बात की जा रही है 32 डेज है आप लोगों के पास में 1 लाख तक पहुंचाने के लिए, उसके बाद में फिर मेरा काम है, मुझे क्या क्या करना है, तो आप लोग इसको जरूर, हाँ, लेक्चर को लाइक जरूर किया कीजिए, लाइक करने से भी बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आप लोग लाइक भी करेंगे तो भी यहाँ पर बहुत सारे मेंबर और एक्स्ट्रा नए हमारी जो फैमिली में जुड़ते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। और बाकी जिसके साथ में आप लोग शेयर कर रहे हैं वो तो आप लोगों शेयर करते ही रहना है, फेसबुक पर भी आप लोग शेयर कर दिया कीजिए, जैसे कि फेसबुक पर इसको डालता हूं तो फेसबुक पर भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है ये नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर आप लोगों के सामने ये बात की जा रही है कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर अभी ये बोला है, जिनका नाम है हुन सेन, तो यहाँ पर चाइना मिलिट्री बेस बनाना चाहती है, तो इसने ये बोला है। पहले आप लोग एक बार लोकेशन देखिए तब आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ से आप लोग आएंगे बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड से होते हुए वियतनाम, यहाँ पर कंबोडिया पहुंच जाएंगे। कंबोडिया को अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे ये एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि गल्फ ऑफ थाईलैंड से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी और साउथ चाइना सी भी आप लोग यहाँ पर पास में देख सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं साउथ चाइना सी में चाइना का यहाँ पर वर्चस्व है, तो इसी के तहत यहाँ पर कंबोडिया में अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता था चाइना पर, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर इनके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, बोला गया कि हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यहाँ पर ऐसा कोई भी परमिशन हम लोगों को नहीं देता है कि कोई फॉरेन कंट्री का ट्रूप्स हमारी कंट्री में आए और यहाँ पर बेस बनाया जाए, तो इसलिए यहाँ पर ये बातें निकलकर आ रही है। तो कहने का मतलब यह चाइना का जो मूव है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट उनके द्वारा भी यहाँ पर इनको लेटर भेजा गया, यानी कि चाइना जिस तरीके से अपने पैर फैला रहा है उसको रोकने की बात की जा रही है, पर्टिकुलर साउथ चाइना सी या फिर जो छोटी छोटी कंट्री यहाँ पर, इन पे कोई भी दबाव नहीं बनाया जाएगा, तो ये अलाउ नहीं करेंगे फॉरन मिलिट्री बेस अपनी कंट्री में। आगे चलता हूं। जो डे बाय डे के आप लोग जो वेट देखते हैं, यानी कि जो किलोग्राम का बाट देखते हैं या फिर 2 किलो का, ये सारे जो वाट देखते हैं, ये सारे जो भी वेट यहाँ पर होते हैं, ये पहले डिफाइन किए गए हैं कि आप लोग चाहे किसी भी कंट्री में क्यों ना चले जाएं, अगर 1 kg इतना है तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोगों को 1 kg इतना ही देखने को मिलेगा। इसकी 26th मीटिंग अभी आप लोगों को देखने को मिली, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड द मेजरमेंट्स, जिसको CGPM बोला गया, तो कहां पर हुई? ये फ्रांस में हुई, ये उल्टा सीधा सा नाम है, फ्रांस की फ्रांसिस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये है पालाइस डे कांग्रेस, ठीक है, तो ये कहां पर है? ये है, ये आप लोग देखने को मिलेगा, ये वाला जो नाम है ये काफी पुराना नाम है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल, तो इसी के नाम पर यहाँ पर ये है जो पर्टिकुलर जगह जहां पर देखने को मिली। और वो ट्रीटी काफी इंपोर्टेंट क्यों थी? क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट था कहीं ना कहीं उसको एंड जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के थ्रू ही किया गया था, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग याद रखेगा। तो
यहां पर अभी ये मीटिंग देखने को मिली जिस पर बोला गया कि फिर से इसको रीडिफाइन किया जाएगा और जो नया रीडिफाइन किया जाएगा जो कि एसआई यूनिट होती है उसके तहत जो फंडामेंटल प्लैंक जो कांस्टेंट एच है इसके तहत टर्म्स जो इसको डिफाइन किया जाएगा ये जो डेफिनेशन होगी नई पिक्चर में आएगी ये मई 2019 से पिक्चर में आएगी। तो नई डेफिनेशन आप लोगों को यहां पर केजी यानी कि किलोग्राम की देखने को मिलने वाली है। डिफाइन किसके द्वारा की जाती है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड द मेजरमेंट जो कि फ्रांस में आप लोगों को देखने को मिली और 26th ये मीटिंग थी, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। अभी एक काफी खतरनाक वायरस देखने को मिला जिसकी वजह से बहुत सारे जो लायन है वो मारे जा रहे हैं। नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं CDV, नाम है इसका कैनिन डिस्टेंपर वायरस। इसकी वजह से बहुत सारे यहां पर जो जानवर मारे गए हैं और इसी की वजह से यहां पर अभी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एक 351 करोड़ रुपए का यहां पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया कंजर्व करने के लिए गिर लोयन को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट किया गया जिसके तहत यहां पर लगभग 180 इमरजेंसी सर्विस यहां पर नंबर इमरजेंसी सर्विस आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके तहत यहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। कैनिस डिस्टेंपर जो वायरल डिजीज है ये इफेक्ट करती है एनिमल्स को, खासकर इसी की फैमिली में जैसे डॉग वगैरह हो गए या फिर और भी कई सारी आप लोग यहां पर देखते हैं, ये सारे नाम आप लोगों के सामने है, इतने सारे को ये इफेक्ट करती है और खासकर यहां पर लोयन को काफी इंपैक्ट इसके द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है तो कुछ भी क्वेश्चन बने तो आइडिया होना चाहिए। आगे चलता हूं, यूनाइटेड नेशन के जो एनवायरमेंट चीफ थे नाम था एरिक स्लोहिम, तो इनके द्वारा अब रिजिग्नेशन दिया गया। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मली जो पैसा आता है यहां पर एनवायरमेंट को सही करने के लिए या एनवायरमेंट में जो डेवलपमेंट है उसको सही डायरेक्शन देने के लिए मैक्सिमम जो खर्चा इनके द्वारा किया गया, मैक्सिमम एक्सपेंस जो इनके द्वारा जो ट्रेवल किया गया एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो आलिशान तरीके से इनके द्वारा ट्रेवल किया गया, तो इनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि देखिए जो यहां पर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो यहां पर पैसा बड़ी जद्दोजहद से इकट्ठा किया जाता है, आप लोग अय्याशी में उसको नहीं उड़ा सकते। तो इसी के तहत यहां पर इनको रेजिग्नेशन देने के लिए इनके ऊपर प्रेशर डाला गया और इन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया है। तो यूनाइटेड नेशन के चीफ थे ये जिनके द्वारा रिजिग्नेशन दिया गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, अगर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया हुआ तो आप लोग क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलता हूं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी असिस्टेंट दिया जाता था लगभग 1.66 बिलियन का यहां पर डॉलर का अभी इसको सस्पेंड कर दिया गया है, डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया गया है। और यहां पर बात जो बोली गई है वो इसलिए बोली गई कि जो कि आज के डेट में अफगानिस्तान में जो सिचुएशन सुधारने की बात की गई थी वो अब तक सिचुएशन यहां पर नहीं सुधारी गई है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहां पर ये सब चीजें स्टार्ट की गई थी पर लेकिन यहां पर कोई सोल्यूशन दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा था। और आज के डेट में आप लोग जानते हैं पाकिस्तान काफी सीरियस कंसर्न में यहां पर चीजें देखने को मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान आज के में चाइना के साथ मिलकर चीजें कर रहा है, तो यहां पर जो डिसीजन लिया गया ये काफी अच्छा आप लोग डिसीजन यहां पर बोल सकते हैं। खासकर अगर आप लोग देखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा ही पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को भी मारा गया था तो उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा ज्यादा अच्छी सपोर्ट नहीं दी गई थी, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान उस तरीके सपोर्ट नहीं कर रहा है जिस तरीके सपोर्ट करना चाहिए और जिसके लिए इसको असिस्टेंट दिया जा रहा था, तो इसलिए यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया है तो एक अच्छा डिसीजन आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि जिस तरीके एक्टिविटी हो रही है वो सराहनीय यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये आइए आज का जो आप लोगों का रिवीजन का पॉइंट है ये है जाकर निहारिएगा इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है, या फिर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन या फिर आप लोग देखते हैं यहां पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, तो क्या होते हैं ये सब तो डिटेल में यहां पर डिस्कस किया गया है, लेक्चर का लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया गया, शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा, 32 दिन है आप लोगों के सामने, ठीक है, टारगेट को अचीव करने में, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं, दो दो तीन तीन बंदे भी जोड़ेंगे तो आराम से टारगेट तक पहुंच जाएंगे, बस आप लोगों को कंटिन्यू करना है। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया है। एक शानदार डेट डिस्कस किया जो कि पैलेस्टीन से रिलेटेड था, डिटेल में जाना आप लोगों के सामने यहां पर यह भी है। और हां, आप लोग अपना जो रिव्यू है वो आप लोग बता सकते हैं, जो भी आप लोग चेंज करना चाहते हैं, ये मैंने आप लोगों को बोला 1 तारीख से चेंज हो जाएगा, ठीक है, 1 तारीख वैसे सैटरडे है वरना मंडे को तो प्रॉब्लम में हो ही जाएगा क्योंकि मंडे से मेन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास में टाइम है, यहां पर जो भी सेशन आप लोग देना चाहते हैं जिसने दे दिए वो मैं पढ़ी रहा हूं, जिसने नहीं दिए वो भी सजेशन दीजिएगा क्योंकि अभी जो है सबने सजेशन वहां पर नहीं दिए हैं। इस वीडियो का लिंक भी नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, तीनों वीडियो के लिए जो सजेशन आप लोग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। छोटा सा टेस्ट था आप लोगों के सामने, इसके अलावा हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की कई सारी बातें, जो पहली थी यहां पर G20 के बारे में डिटेल में जाना, कहां पर हो रही है, क्या थीम है, क्या क्या बातें हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी मिलने वाले हैं साइड में, इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो था यहां पर ये जो मीटिंग होने वाली थी अभी साथ ही जो पाकिस्तान में उसके बारे में बात की गई, हम लोगों ने अटेम्प्ट करने से मना कर दिया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा सदर्न रेलवे के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इजराइल को एक तरीके से पैलेस्टीन के साथ में शांति बनाए रखने के लिए बोला गया है, एक अभी प्लान को अनवील करने के लिए, तो देखते हैं क्या क्या प्लान निकल कर आएगा। हौसला यहां पर स्टार्ट किया गया है वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर बात की गई है रसिया और जो यूक्रेन के बीच में जो रस्साकसी चल रही है
ये पीएसएलवी C43 के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कर्नाटक के कोस्टल एरिया को डेवलप करने की बात की जा रही है, और एक सिंगर के बारे में जाना जिनकी अभी रिसेंटली डेथ देखने को मिली। इसके अलावा आप लोगों के सामने थे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए थे उनके शानदार आंसर आप लोगों ने दिए, इसी तरीके से आंसर आप लोगों को देते रहना है। नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोगों ने जाना कंबोडिया के बारे में, ठीक है ना, कंबोडिया के बारे में आप लोगों को देखने को मिला। अच्छा ये बताइए कितनी टोटल कंट्री कंबोडिया को टच कर रही है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने केजी के बारे में जाना जिसको यहाँ पर फिर से रिडिफाइन करने की बात की जा रही है, इसकी डेफिनेशन की। गिर लोयन जिसको यहाँ पर देखने को मिला है कैनिन डिस्टेंपर वायरस, इसकी वजह से इनकी डेथ हो रही है, तो ये भी हम लोगों ने जाना। इन जो यहाँ पर यूएन के जो चीफ थे यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनके द्वारा अभी रिजिग्नेशन दिया गया है, ये जाना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने था यहाँ पर पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी असिस्टेंस यहाँ पर यूएसए के द्वारा जी रहा था उसको कैंसिल कर दिया गया है, तो पाकिस्तान पर और प्रेशर बनाने के लिए ये बात यहां पर की गई है। ये है आप लोगों का रिवीजन का पॉइंट, जाकर इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करने का हक है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए और चीजों को शेयर भी करते रहिए ताकि हम लोग जल्दी से पहुंच सके जहां पर हम लोगों को पहुंचना है। बाकी का मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा द हिंदू डिस्कशन, उसको भी आप लोग एंजॉय करते रहिए। आज तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।